हेलो एवरीवन, हाईकोर्ट आरओ का जो 2017 में पेपर हुआ था उस पेपर को मैं इस सेशन में कवर करने वाली हूँ। टोटल 200 क्वेश्चंस थे और ये जो क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ दोनों ही लैंग्वेज में कर रही हूँ ताकि दोनों ही लैंग्वेज के बच्चे को इससे लाभ हो सके। और आप ये देखते रहिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था, उस टॉपिक को आप नोट डाउन करिए और उस टॉपिक से रिलेटेड अब आप क्वेश्चन को तैयार करिए। लास्ट टाइम की यही स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए तो जाकर के आपको सफलता 100% मिलेगी। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था, सेट सबके अलग अलग होते हैं तो ये अलग सेट है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसका अपनी गति के दौरान क्या हो जाते हैं। उसका अपनी गति के दौरान वेग घटता है लेकिन त्वरण एक समान रहता है। यदि एक गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका अपनी गति के दौरान वेग घटता है लेकिन त्वरण एक समान रहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी पिंड को ऊर्ध्वाधर फेंकने पर उसका गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। क्या काम करता है? गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि वस्तु पर लागू कुल बल शून्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यदि वस्तु या तो स्थिर अवस्था में हो सकती है या एक समान वेग से गति कर सकती है। यदि किसी वस्तु पर लागू कुल बल शून्य है तो वस्तु या तो स्थिर अवस्था में हो सकती है या एक समान वेग से गति कर सकती है। तो कार्य करने के लिए किसी भी बल के लिए शर्त होती है कि वो उस वस्तु में गति पैदा करे। यानी यदि तय की गई दूरी शून्य है तो किसी भी वस्तु पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विभिन्न माप और आकार के चार डिब्बों को एक समान गहराई तक एक ही प्रकार के तरल पदार्थ से भरा जाता है। एक ही प्रकार के तरल पदार्थ से भरा जाता है तो क्या होगा? प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ द्वारा लगाया गया दबाव समान होता है। विभिन्न माप और आकार के चार डिब्बों को एक समान गहराई तक एक ही प्रकार के तरल पदार्थ से भरा जाता है तो प्रत्येक डिब्बे के तल पर तरल पदार्थ के द्वारा लगाया गया दबाव समान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाट सेकंड किसी एक इकाई है। वाट सेकंड किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई होती है। वाट का एक इकाई होता है, जूल पर सेकंड भी होता है और जूल का वाट सेकंड हो सकता है। बल का एसआई मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कार्य या ऊर्जा की एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर जूल होता है। और शक्ति का एसआई मात्रक होता है जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड क्या है? वाट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक अनुदैर्ध्य तरंग, एक अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग में माध्यम के कण किसमें गति करते हैं। माध्यम के कण जो है वो अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में करते हैं। ठीक है, एक अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंग में माध्यम के कण अपनी विराम अवस्था में आगे पीछे विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर दिशा में गति करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है। ये तरंगे संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है। संपीड़न वाले स्थान पर माध्यम का दबाव और घनत्व तो अधिक होता है जबकि विरलन वाले स्थान पर माध्यम का दाब और घनत्व कम होता है। जैसे वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, ये सभी क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक गेंद को एक समतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, रखा गया है। गेंद और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? गेंद और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? इसके बीच की दूरी, समतल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण के विपरीत दिशा में वस्तु से दर्पण की दूरी के बराबर दूरी पर बनता है। तो गेंद से प्रतिबिंब की दूरी कितना है? 2 × 40, तो क्या हो जाएगा? 42 × 80 सेंटीमीटर। आंसर होगा 80 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसके कारण एक व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया,
दूरदृष्टि दोष जो है उसको हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। इससे ग्रसित जो व्यक्ति होते हैं उसको दूर की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है, लेकिन उसको निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है। जो हाइपर मेट्रोपिया से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखलाई पड़ती है, सॉरी हाइपर मेट्रोपिया के जो ग्रसित लोग होते हैं उनको दूर की वस्तु तो दिखलाई पड़ती है लेकिन निकट की चीज़ें उनको दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में मायोपिया होता है। मायोपिया क्या बोलते हैं इसको? मायोपिया। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख सकते हैं लेकिन दूर स्थित वस्तु को नहीं देख सकता है। और इस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। अब यहीं पे आपको ये बता दिया जाए कि जो प्रेस बायोपिया है, प्रेस बायोपिया ये जरा दृष्टि दोष होता है। इसमें वृद्धावस्था के कारण आँख की समंजन क्षमता घट जाती है या फिर समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को ना तो नज़दीक की वस्तु और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देती है। इस रोग के निवारण के लिए आपको बायोफोकल लेंस का यूज़ किया जाता है। वहीं एस्टिगमैटिज्म जो है ये दृष्टि वैषम्य होता है या अबिंदुकता इसको बोलते हैं। इसके कारण, इस रोग से ग्रसित के कारण व्यक्ति यदि क्षैतिज दिशा को ठीक से देख लेता है तो वो ऊर्ध्व दिशा नहीं देख पाता है, या फिर वो ऊर्ध्व दिशा को देख लेता है तो क्षैतिज दिशा नहीं देख पाता है। इस रोग के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस होता है, सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय का एक परिणाम है। किसका परिणाम है? अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन का एक परिणाम होता है। और जैसे कि तारों का टिमटिमाना, जल के अंदर पड़ी हुई मछली का वास्तविक गहराई के ऊपर उठे हुए दिखाई देना, और द्रव में कोई भी डूबी हुई जो सीधी छड़ी है उसका टेढ़ा दिखाई देना, ये सारी चीज़ें जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के परिणाम होते हैं। अब जैसे आकाश का रंग नीला होता है, सूर्य के डूबते समय जो लाल रंग हो जाता है या फिर निकलने से पहले लाल रंग, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, स्कैटरिंग के कारण होता है। और प्रकाश का परिक्षेपण, डिस्पर्जन, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वो अपवर्तन के बाद प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ अलग अलग रंगों के प्रकाश में बढ़ जाने का जो प्रक्रिया होता है वो होता है प्रकाश का परिक्षेपण। कांच की अपवर्तनांक बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक और लाल प्रकाश के लिए सबसे कम होता है। हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका बनना, कांच का चटका हुआ भाग जो चमकीला दिखाई देता है, प्रकाशिक तंतु, ये सब हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, रिफ्लेक्शन। लेकिन इसका जवाब होगा अपवर्तन। अगला क्वेश्चन, 2A की विद्युत धारा 10 के प्रतिरोध से 20 मिनट के लिए प्रवाहित होती है। 10 ओमेगा के प्रतिरोध से 20 के मिनट के लिए प्रवाहित होती है। प्रतिरोध से 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा क्या होगी? तो विद्युत धारा I होता है, I इक्वल टू क्या दिया हुआ? 2A दिया हुआ है। प्रतिरोध, प्रतिरोध R जो है वो 10 ओमेगा दिया हुआ है। समय कितना दिया है? 20 मिनट दिया हुआ है। 20 मिनट, मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 × 1200 कूलम हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में इसका आंसर होगा 2C, ऑप्शन ए। इसको पॉज करके आप खुद से सॉल्व करिए, जवाब होगा 2C। अगला क्वेश्चन, एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो किस में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। एक मोटर एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी इसका रूपांतरित होता है। एक मोटर जो कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब उपकरण में आपको बताऊं तो डायनेमो जो है, डायनेमो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मा इंजन जो है वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। हीटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो ये ऊर्जा का रूपांतरण एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, रूपांतरण रूप। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जीवाश्म विज्ञानी, पैलेंटोलॉजी, इस विज्ञानी को पैलेंटोलॉजी बोलते हैं, कौन होता है जो कि डैश का अध्ययन करता है? किसका अध्ययन करता है? फॉसिल्स का, फॉसिल्स का।
ये फॉसिल्स यानी जीवाश्मों का अध्ययन करता है, जो कि उसे जीवाश्म विज्ञानी बोलते हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है, वो जीवाश्म विज्ञान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बायोलॉजिकल एनर्जी इज, बायोलॉजिकल एनर्जी इज, जैविक ऊर्जा क्या है? जैविक ऊर्जा एटीपी, एटीपी एक जैविक ऊर्जा है। ये ऊर्जा सजीव कोशिकाओं में होने वाली कोशिकीय श्वसन के दौरान निर्मुक्त होती है। वहीं डीएनए की बात करें तो डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल या फिर डीएनए कहते हैं इसको। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अणु की संरचना घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है। आरएनए, आरएनए का नाम होता है फुल फॉर्म राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये एक पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स वो पदार्थ होते हैं जिन्हें जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके सदस्य, प्रजातियों के बारे में, बिना विविधता के बिल्कुल समान गुण होते हैं, अंतर प्रजनन करने में सक्षम है और प्रजननक्षम संतान उत्पन्न करते हैं। ये कथन सही है। प्रजातियों के सदस्य अंतर प्रजनन करने में सक्षम होते हैं और प्रजनन सक्षम संतान उत्पन्न करते हैं। प्रजाति जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई होती है। ऐसे जीवों के समूह को एक जाति बुलाया जाता है जो कि एक दूसरे के साथ संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग एंजाइमों के साथ ही हार्मोन भी स्रावित करता है? अग्नाशय, पेनक्रियाज। ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथि की भांति कार्य करता है। ये हार्मोन और एंजाइम दोनों स्रावित करता है। ये मानव शरीर में यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, अग्नाशय। वही अगर हम हृदय की बात करें, हार्ट, तो ये गुलाबी रंग की पेशियां, शंकु आकार और स्पंदनशील इसकी रचना होती है। पुरुष में इसका औसत भार होता है 310 ग्राम और स्त्रियों में हार्ट जो होता है वो 255 ग्राम का होता है, 255 ग्राम का। और ये दोहरी झिल्ली से बने थैली नुमा हृदयावरण या पेरिकार्डियम में बंद रहता है। हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट के बाद रुधिर हृदय द्वारा विभिन्न धमनियों में पंप होता है हार्ट बीट के समय में। वहीं अगर हम यकृत की बात करें या आप गुर्दे की बात कर ले, किडनी, वृक्क, इसको वृक्क भी बोलते हैं। गुर्दे का जोड़ा मानव का एक अंग है जिसका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन करना होता है। इसके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार, अम्ल संतुलन और रक्तचाप का नियमन होता है। इसमें यूरिया और अमोनिया होते हैं। वही लीवर की बात करें, यकृत की, तो ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो कि पित्त का निर्माण करती है। उत्सर्जन की मुख्य क्रिया यानी यूरिया का निर्माण इसके अंदर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हृदय एक ऊतक से बना है जो इसे लयबद्ध ढंग से सिकुड़ा और शिथिल करता जाता है। ये ऊतक किस प्रकार का होता है? ये ऊतक होता है मस्कुलर, मांसपेशीय, मस्कुलर होता है। हृदय एक ऊतक से बना होता है जो इसे लयबद्ध ढंग से सिकुड़ा और शिथिल करता जाता है। ये ऊतक मस्कुलर होता है जो कि ऊतक का एक प्रकार है। ये ऊतक का एक प्रकार है। अब एपिथीलियल की बात करें, एपिथीलियल ऊतक, तो ये शरीर को ढकने और बाह्य रक्षा प्रदान करने का ऊतक होता है, जैसे कि त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनिया का भीतरी स्वर, वृक्कीय नली, ये सारे। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इसको। ये ऊतक शरीर में विभिन्न ऊतकों को बांधने और जोड़ने का काम करता है और शरीर से सुरक्षा, शरीर को सुरक्षा, सहारा और दृढ़ता देता है, जैसे कि रक्त, अस्थि, उपास्थि, स्नायु और कंडरा। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, इस ऊतक की कोशिकाएं बहुत शीघ्र उत्तेजित होती है और इस उत्तेजना को तुरंत ही पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जैसे कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। सभी जो है वो तंत्रिका ऊतक की बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन,
पौधों की पत्तियों का हरा रंग किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण हरा रंग होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों की पत्तियों का रंग जो है वो हरा होता है। क्रोमेटोग्राफी मतलब जो कागज वर्णलेखिकी होता है, इससे पता लगता है कि पत्तियों में स्थित वर्ण के कारण जो हरापन दिखाई देता है वो किसी एक वर्ण के कारण नहीं बल्कि चार वर्ण, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कार्टिनियोरेट। क्लोरोफिल ए जो चमकीला अथवा नीला हरा होता है, क्लोरोफिल बी पीला हरा, जैंथोफिल पीला और कार्टिनोइड पीले से नारंगी पीले के कारण होता है। तो ये चारों जो वर्णक है उसमें क्लोरोफिल ए प्रकाश, क्लोरोफिल ए प्रकाश संश्लेषण के लिए एक प्रमुख वर्णन होता है, जबकि बाकी अन्य जिन्हें सहायक वर्णन भी कहते हैं वो प्रकाश को अवशोषित करते हैं और अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित करते हैं। अब हीमोग्लोबिन की बात करें तो रक्त का लाल रंग एक लौह युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मेलालिन ये एक प्राकृतिक पिगमेंट है जो कि पृथ्वी की अधिकतर जीवों में पाया जाता है, हालांकि ये मकड़ियों में नहीं पाया जाता है मेलालिन, और जानवरों में ये टायरोसिन नामक एक अमीनो अम्ल से बनता है। बाल, आंख और त्वचा के रंगों का निर्धारण मेलालिन के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विषाणु जनित बीमारी नहीं है? इनमें से क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये विषाणु जनित बीमारी नहीं है। क्षय रोग जीवाणु वाले बीमारी होते हैं और क्षय रोग के कारक का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। वही एड्स की बात करें तो एड्स वायरस जनित रोग है। एड्स भी, डेंगू भी, चिकनगुनिया भी, एड्स के वायरस का नाम है, कारक का नाम है HIV विषाणु होते हैं। डेंगू में फ्लेवी आर्बो विषाणु होते हैं। चिकनगुनिया में चिकनगुनिया विषाणु नाम है इसका, कारक के नाम। अगला क्वेश्चन, पुष्पित पौधे का कौन सा हिस्सा इसके प्रजनन के लिए जिम्मेदार है? कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? फ्लावर यानी फूल। पुष्पित पौधे के फूल का हिस्सा प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है। जनक पौधों द्वारा अपनी सेक्स कोशिकाओं या फिर युग्मकों का प्रयोग कर नए पौधे को जन्म देने की क्रिया जो है वो लैंगिक प्रजनन कहलाती है। पौधे में भी नर और मादा जनन अंग होते हैं, तो पुष्प का नर अंग पुंकेसर और मादा का अंडज यानी कार्पेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में कौन कौन से जीव अपघटक होते हैं? जीवाणु और कवक होते हैं। खाद्य श्रृंखला में जीवाणु और कवक जीव अपघटक होते हैं। अपघटक वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सभी मृत जीवों यानी वनस्पति और जंतुओं को उनके पार्थिव अवयवों में तोड़ देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद प्रारंभ होती है, मरने के बाद, जिसे ये सामान्य तौर पर सड़ने के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार होता है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव प्राकृतिक रूप से होने वाली परिघटना है जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाती है और इस प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वहीं अगर ओजोन छिद्र की बात करें, ओजोन होल की, तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत विद्यमान होती है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है और इसी को ओजोन परत कहते हैं। आधुनिक सुविधाओं के चलते जैसे कि AC, फ्रिज या अत्यधिक वाहन और कारखाना से CFC अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने के कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया है जो कि चिंताजनक है। अम्ल वर्षा की बात करें, एसिड रेन, तो अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। यही जो है वो वर्षा के साथ जब पृथ्वी पर गिरती है जिससे कि अम्लीय ऊर्जा कहते हैं। चक्रवात साइक्लोन आप सभी जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से कौन से मिश्रण में से उसके घटकों को एक प्रक्रिया से अलग किया जाता है, जिसमें पानी मिलाना, आलोइन यानी स्टरिंग और निस्पंदन शामिल होगा? सुगर एंड वीट फ्लावर, चीनी और गेहूं का आटा। चीनी और गेहूं के आटे को पानी में अच्छी तरह से घोल लेने और फिल्टर पेपर से छान लेने से फिल्टर पेपर के ऊपर गेहूं का आटा रह जाएगा, जबकि चीनी पानी के घोल के साथ निस्पंदन रूप से प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। कैल्शियम और OH, CA और OH की संयोजकताएं क्रमशः 2 और 1 दी गई है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आणविक सूत्र क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पूछ रहा है। इसका सूत्र होता है CaOH2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जब जिंक धातु की क्रिया प्रबल अम्ल जैसे कि HCl से क्रिया किया जाता है, HCl से किया जाता है तो जिंक क्लोराइड यानी ZnCl2 हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? किसका जलीय विलयन करता है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कलर का कर देता है। अगला क्वेश्चन, एक तत्व एक्स की परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 15 और 31 है। कितना है? 15 और 31 है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 होगी, प्रोटॉनों की संख्या 15 और न्यूट्रॉनों की संख्या 16 होगी। 15 15 16, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पहला, केवल पहला। एक्स को कौन दर्शाता है? पहला दर्शाता है। इसको पॉज करके आप खुद से समझिए और उसको सॉल्व करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनयिक को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अवास्तविक विचारों वाला सांता क्लाज कहा गया था? किसको कहा गया था? सुब्रमण्यम स्वामी को। सुब्रमण्यम स्वामी एक भारतीय राजनयिक, गणितज्ञ और वकील थे जिन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अवास्तविक विचारों वाला सांता क्लाज कहा था। अगला क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के कार्बोनेट वाले पेय पदार्थों का पहली बार वाणिज्यकरण निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जैकब स्विच वेपे के द्वारा किया गया था। जैकब च्वेपे, ठीक है। 18वीं शताब्दी में कार्बोनेट वाले पेय पदार्थों का पहली बार वाणिज्यकरण जर्मन स्विस वैज्ञानिक जोहान जैकब स्विच्वेपे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या मैं भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा गतिरोधकों के बारे में सुझाया नहीं गया है? आंसर होगा पीला रंग नहीं सुझाया गया है। बाकी 17 मीटर त्रिज्या वाले गोलाकार ये निभाया गया है। मतलब भारतीय सड़क कांग्रेस का आयोजन सड़क निर्माण से संबंधित विषयों पर गहन विचार विमर्श करने के लिए किया जाता है। भारतीय सड़क कांग्रेस ने गतिरोधकों के संबंध में जो सुझाव दिया था वो दिया था कि 17 मीटर त्रिज्या वाला एक गोलाकार उभार हो, 3.7 मीटर की चौड़ाई हो, 0.10 मीटर की ऊंचाई हो और इसका वेग यानी चाल जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो इसमें क्या नहीं है? पीला रंग, येलो पेंट। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा नहीं है? रास लानूफ जो है वो संयुक्त अरब अमीरात का एक हिस्सा नहीं है। रास लानूफ संयुक्त अरब अमीरात का नहीं है। ये उत्तरी लीबिया में एक भूमध्य सागरीय शहर है जो कि सिद्र की खाड़ी पर स्थित है। रास अल खैमा, फुजहरा और अजमान संयुक्त अरब अमीरात का ये हिस्सा है, लेकिन रास लानूफ नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक बाल्टिक राज्यों का हिस्सा नहीं है? बेलारूस। बेलारूस जो है वो नहीं है। बाल्टिक देशों में यूरोप का उत्तर पूर्वीय क्षेत्र और बाल्टिक सागर के पूर्वीय किनारे पर स्थित देश एस्टोनिया, लातविया,
एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल हैं। बाल्टिक देश में पश्चिम और उत्तर से बाल्टिक सागर से घिरे हुए हैं, जिसके नाम पर क्षेत्र का नाम रखा गया है। सही जवाब होगा इसका बेलारूस। अगला, मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म का नाम इनमें से क्या था? बीरबल के जन्म का नाम महेश दास था। मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल थे, जिनका मूल नाम था महेश दास, और ये श्री ब्रह्म के नाम से कविताएं लिखते थे। इन्हें लोकप्रिय लोकप्रिय की उपाधि भी दी गई थी महेश दास को। और यूसुफ जाइयों के विरुद्ध युद्ध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर बीरबल का लेख मिलता है। क्वेश्चन बन सकते हैं इससे संबंधित, इसलिए मैं पूरे डिटेल आपको बताती चल रही हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया था, औषधि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए याद किया जाता है? किसके लिए याद किया जाता है? तो आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा कि खून में रिसस कारक, रिसस फैक्टर की पहचान, जिनसे रक्त आधान यानी ट्रांसफ्यूजन सक्षम हुआ है। कार्ल लैंडस्टीनर को खून में रिसस की पहचान, जिसमें कि रक्त आधान सक्षम हुआ है, इसके लिए याद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है? पर्यावरण और वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अगला क्वेश्चन, मिनिकॉय और अमनदीवी द्वीप कौन से द्वीप समूह का हिस्सा है? ये लक्षद्वीप का हिस्सा है। मिनिकॉय और अमीन द्वीपीय लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीपों का एक समूह होता है। ये टोटल 27 द्वीपों में से 11 आबादी है। 27 द्वीपों में से 11 में आबादी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि पर हस्ताक्षरकर्ताओं में कौन कौन शामिल है? हस्ताक्षरकर्ताओं में शेख हसीना और HD देवगौड़ा शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका ने किस वर्ष में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ जुड़ करके ब्रिक्स बनाया था? 2010 में, ठीक है, 2010 में ब्रिक्स। 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन ने एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक की स्थापना की थी, और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूसी शहर येकेटरिन में हुआ था। 15 अप्रैल 2010 में ब्राजीलिया में हुए इसके दूसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका को इसकी सदस्यता प्रदान करने में सहमति बनी थी। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद इसका नाम ब्रिक्स हो गया था। तो 14 अप्रैल 2011 में सानिया, चीन के सानिया में हुए ब्रिक्स में तीसरे सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका पहली बार शामिल हुआ था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन B। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2016 के राष्ट्रपति चुनावों में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद हेतु रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक पेंस के बारे में नीचे दिए गए विकल्पों में से क्या सही है? तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, सही जवाब होगा इसका, वो इंडियाना के गवर्नर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? इनमें से कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है? सभी को मालूम होगा एक्टिनियम जो है, ये रेडियो एक्टिव तत्व है। अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में आपको दे दूं, ताकि इससे संबंधित प्रश्न है तो आप सॉल्व कर सके। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा करता है। और इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 108 में है।
दोनों सदनों की बैठक राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। राज्यसभा अध्यक्ष का क्या काम है? राज्यसभा अध्यक्ष जो है ये भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है ये किसी कारणवश लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये सदन की अध्यक्षता करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। भारत के उपराष्ट्रपति की क्या काम है? तो ये राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। नोबेल पुरस्कार विजेता स्वतेलाना एलेक्सेविच द्वारा लिखित उपन्यास सेकंड हैंड टाइम किस बारे में है? सेकंड हैंड टाइम है पोस्ट कम्युनिस्ट रूस के लोगों के अफसाने के बारे में है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, जान मैनुअल सैन्याल कौन है? जान मैनुअल सैन्याल कौन है? ये कोलंबिया के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, मार्लोन जेम्स किस कारण से प्रसिद्ध हैं? साहित्य हेतु मैन बुकर पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा जो कि पंचायती राज प्रणाली की नींव है, इस निकाय में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? इस निकाय में कौन शामिल होते हैं? पंचायत के क्षेत्र में शामिल गांव की निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति, ठीक है, पंजीकृत व्यक्ति। ग्राम सभा जो कि पंचायती राज प्रणाली की नींव है, इस निकाय में पंचायत के क्षेत्र में शामिल नींव की निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। ग्राम सभा पंचायती राज्य व्यवस्था का प्राथमिक और एक स्थायी निकाय होता है। पंचायती राज्य की अन्य संस्थाएं ग्राम पंचायत जैसे जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का निर्माण अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। तो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भाग 9 11वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243A से 243O तक इसका उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का निम्न में से किसके साथ में संबंध है? जम्मू व कश्मीर राज्य की विशेष दर्जे के प्रावधान के साथ, ये बहुत ही हॉट मुद्दा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में आर्टिकल 370 में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है। तो धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में रक्षा, विदेश मामले, संचार के विषय में कानून बनाने का प्रावधान है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार का अनुमोदन दिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 लागू नहीं है, 356 लागू नहीं है। अभी हाल ही में 2019 में धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। समाप्त करके 370 को समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की घोषणा की गई थी। 31 अक्टूबर 2019 को इन दोनों को विधिवत तौर पर केंद्र शासित राज्य बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू बोट्स क्या है? यू बोट्स क्या है? ये दो विश्व युद्धों के दौरान प्रयोग किए गए जर्मन मिलिट्री की पनडुब्बियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य में दीन बंधु मित्र द्वारा लिखित बंगाली नाटक नील दर्पण निम्न में से किसके बारे में है? नील दर्पण है नील विद्रोह के बारे में। 19वीं शताब्दी के मध्य नील दर्पण बंगाल का प्रसिद्ध नाटक है जिसके रचयिता है दीन बंधु मित्र। इसकी रचना हुई थी 1859 में, 1858-59 में हुई थी। ये बंगाल में नील विद्रोह या नील आंदोलन के कारण बना था। और बंगाल अकाल की बात करें तो बंगाल अकाल एक भयानक अकाल पड़ा था बंगाल में 1943-44 में, जिसमें कि लगभग 30 लाख लोगों ने भूख से तड़प करके जान दे दिया था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1763
से 1800 तक सन्यासी विद्रोह हुआ था। बंगाल में बेदखल किए गए किसानों, राजाओं और नवाबों की विघटित फौज की सिपाहियों द्वारा जमींदारों और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में शुरू किया गया था ये विद्रोह। इसमें प्रमुख नेता थे मजनू शाह। कौन नेता थे? मजनू शाह। बंकिम चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया है। वहीं बंगाल में सिपाही विद्रोह की बात करें तो ये सिपाही विद्रोह हुआ था, आप सभी को मालूम होगा, 1857 में। इसको बैरकपुर पश्चिम बंगाल में छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट वाघ एवं ह्यूमन की हत्या कर विरोध का शंखनाद किया था। अगला क्वेश्चन, रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर भारतीय रिजर्व बैंक के किस विषय के तहत आते हैं? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, क्वांटिटेटिव मात्रात्मक उधार नियंत्रण उपायों के तहत आते हैं। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा बनाए गए साख को नियंत्रित करने का भी जिम्मेदारी लेता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए देश में साख को कुशलता से नियंत्रित और विनियमित करने के लिए आरबीआई मात्रात्मक एवं गुणात्मक तकनीकों का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, बिमस्टेक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पॉज करिए, पढ़िए और बताइए कि कौन सा इसमें से सही है। आंसर सही था, ये दक्षिणी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के राष्ट्रों का विभिन्न क्षेत्रों में संवर्धित सहयोग हेतु एक समूह है। बिमस्टेक, इसका पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है और बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित देश के इसके सदस्य हैं, जो कि क्षेत्रीय एकता का प्रतीक है। इसके 7 सदस्यों में से 5 दक्षिण एशिया से हैं, जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका शामिल है, और 2 म्यांमार और थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। बिम्स्टेक जो है वो न सिर्फ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क बनाता है, बल्कि हिमालय और बंगाल की खाड़ी की पारिस्थितिकी को भी जोड़ता है। इसका उद्देश्य है आर्थिक विकास के लिए वातावरण तैयार करना, सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्र में सामान्य हित मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अपीको आंदोलन जिसने चिपको आंदोलन से प्रेरणा प्राप्त की, निम्न में से कौन से भारतीय राज्य के जंगलों में चला था? ये कर्नाटक में चला था। उत्तराखंड में पर्यावरण को बेचने के लिए चलाया गया चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में। तो इससे प्रेरित होकर के, चिपको आंदोलन से प्रेरित होकर के अपीको आंदोलन कब हुआ? 18 सॉरी अपीको आंदोलन 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्रों में जंगलों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। ये आंदोलन 38 दिनों तक चला था। इस आंदोलन में पांडुरंग हेगड़े की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। आंध्र प्रदेश में राजीव गांधी पिपिकोंडा श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र में संजय गांधी बोरीवली पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पूना संधि के बारे में निम्न विकल्पों में से क्या सही है? पूना संधि के बारे में बोल रहा है, इनमें से क्या सही है? तो महात्मा गांधी और बीआर अंबेडकर, महात्मा गांधी डॉक्टर बीआर अंबेडकर हिंदू संयुक्त निर्वाचक के निर्वाचक वर्ग कायम रखें और वंचित वर्गों को आरक्षित सीट दें, ये बिल्कुल सही है। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में हुआ था। सांप्रदायिक पंचायत घोषणा के तहत दलित वर्गों को हिंदू वर्ग से अलग कर अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल कर इसके लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने सेप्टेम्बर 1932 में आमरण अनशन
प्रारंभ कर दिया। इसका उद्देश्य दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध करना और दूसरा हिंदू समाज के विखंडन को रोकना था। तो 1932 में 24 सितंबर 1932 को दलित वर्गों की ओर से बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्य हिंदुओं की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते से दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि की गई। अगला क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल इजीली इसको कर पाएंगे। तो लास्ट टाइम में पेपर को सॉल्व करने से ही फायदा होता है कि उससे संबंधित प्रश्न तैयार हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मद्रास विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में किस रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई थी? वुड्स डिस्पैच की सिफारिश पर की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन से ऐसे मौलिक अधिकार हैं जिन्हें आपातकाल लगने के बाद भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो कौन से मौलिक अधिकार हैं? आर्टिकल 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21, अपराधों की दोष सिद्धि के बारे में सुरक्षा और जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को विभिन्न स्रोतों से व्यापक रूप से अनुकरण किया गया है, तो निम्न में से कौन से स्रोत से इसके अधिकतर प्रावधानों को लिया गया है? किस स्रोत से लिया गया है इसके प्रावधान को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार के अधिनियम 1935 से। अगला, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को किसने पेंट किया था? भारत माता को किसने पेंट किया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया था। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक बंगाली निजी अन्वेषक फेलुदा का सृजन किसने किया था? सत्यजीत रे ने किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निधन हुए यूसुफ एराकल क्या थे? यूसुफ एराकल चित्रकार थे, पेंटर थे। अगला क्वेश्चन, तापी एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जिसे एशियन विकास बैंक के द्वारा विकसित किया जा रहा है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तापी का फुल फॉर्म होता है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के वो पश्चिम शरणा स्थल जिसके इर्द गिर्द घूमकर सिंधु नदी पाकिस्तान के मैदानों में प्रवाहित होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको नंगा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1946 का रॉयल भारतीय सेना का विद्रोह HIMS तलवार से आरंभ हुआ था, ये प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित था? ये प्रशिक्षण स्कूल है बॉम्बे में। नेक्स्ट, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध हुआ, इसकी स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने किया था। गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड नियर, मन्नार की खाड़ी किस नदी के किसके नज़दीक स्थित है? मन्नार की खाड़ी है तमिलनाडु के तट पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, दीन-ए-इलाही के द्वारा एक धार्मिक आंदोलन कौन सा था? अकबर। दीन-ए-इलाही किसके द्वारा एक धार्मिक आंदोलन था? अकबर के द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की धारा 124A जो हाल ही में व्यापक चर्चा का विषय रही है, इसका संबंध निम्न में से किसके साथ है? इसका संबंध है सेडिशन के साथ, राजद्रोह के साथ। नेक्स्ट, आधार बिल 2016 को लोकसभा में कैसे प्रस्तुत किया गया था? एक धन बिल के रूप में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान किस दिन विशेष को
किस दिन विशेष को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? स्वतंत्र भारत में उसी तारीख को निम्न में से किसे मानने के लिए चुना गया था, सॉरी किसे मनाने के लिए चुना गया था? 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान किस दिन विशेष को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था? स्वतंत्र भारत में उसी तारीख को निम्न में से किसे मनाने के लिए चुना गया था? गणतंत्र दिवस को चुना गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले मौदहा बांध परियोजना स्थित है? हमीरपुर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक है? कहाँ पे है? आंसर इसका होगा बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में। बहराइच में 46.48% वृद्धि हुई है। अगला क्वेश्चन, डोलोमाइट के भंडार उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाए गए हैं? डोलोमाइट का भंडार सोनभद्र में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? रासलीला दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के डैश में अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितने भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र है? 9%। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा पक्षी अभयारण्य है? नवाबगंज है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा गोमती नदी के तट पर स्थित है? लखनऊ। स्मारक 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के जिले में पाया जाता है, किस जिले में पाया जाता है? ये कालपी में, ठीक है। कहाँ पे? कालपी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ग्रीन पार्क, ये कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए अब आते हैं हम रीजनिंग के क्वेश्चन पे। अब रीजनिंग के क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन था कि एक सिलाई मशीन के इस्तेमाल का एक सॉफ्ट रैचेट का कोड नंबर ये है, तो इससे मिलता जुलता, इससे मेल खाता कौन सा है? सही जवाब होगा, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 9R64, यहाँ पे भी है O9JM875, दोनों मैच कर रहे हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि फर्स्ट को ये इस कोड के रूप में लिखा जाता है तो सीमेंट को कैसे लिखेंगे? तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट का अगर ये लिखा हुआ है, यानी F का प्लस वन करेंगे तो G होगा, I का प्लस वन J है, R का प्लस वन S है, S का प्लस वन T है, तो मतलब प्लस वन का हिसाब किताब है। तो इसी प्रकार से सीमेंट में भी सब में प्लस वन कर देंगे तो C का D हो जाएगा, E का F हो जाएगा, M का N हो जाएगा, E का F हो जाएगा, N का O हो जाएगा और T का U हो जाएगा, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम ये है, प्रतीक है, इसमें अल्फाबेट है, नंबर है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके तुरंत पहले आपको ये प्रतीक दिखे और तुरंत बाद एक अक्षर दिखे, अक्षर यानी ए बी सी डी, तो आपको इसको पॉज करके देखना है, आंसर होगा 3। चलिए अगला क्वेश्चन, 401 से 800 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं? 401 से 800 के बीच अगर आपसे पूर्ण वर्ग पूछ रहा है तो पहले ये बताइए कि 401 से पहले 400 आता है, और 400 किसका पूर्ण वर्ग है? 20 का पूर्ण वर्ग है, और 800 के पहले क्या आता है, बाद क्या आता है? तो अगर हम 21 का स्क्वायर कर दें 401 और 21 का स्क्वायर, और वहीं पे पहले तो 401 के लिए पूर्ण वर्ग करेंगे, पहले 1-1 का कर लेते हैं, तो मान लीजिए जानते हैं आप सभी कि 420 का पूर्ण वर्ग है, तो यानी 20 का स्क्वायर कर देंगे, और 400 से अधिक का यानी 21 का स्क्वायर कर देंगे। इसी प्रकार 800 के लिए 800 से पहले 28 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, उसके बाद 29 का स्क्वायर कर देंगे,
तो इसके बीच 21 से लेकर के 29 के बीच में, अगर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 अगर करेंगे तो पूरे वर्ग जो आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। तो सही जवाब होगा 8। पॉज करके आप खुद भी सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे शायद आपको समझ में ना आया हो, तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे बस आपको क्वेश्चन दिखानी है कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फोर्थ कमिंग के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है? एक अक्षर का उपयोग सिर्फ उतनी ही बार किया जा सकता है जितनी बार वो दिए गए शब्द में प्रयुक्त होता है। इसका एक एक बार अक्षर यूज करके एक मीनिंगफुल लिखना है सेंटेंस। तो सही जवाब होगा थ्रोंग, THRONG। अगला क्वेश्चन, पी क्यू का भाई है, टी क्यू की पुत्री है, आर पी का पुत्र है और एस टी का भाई है, तो एस का चाचा कौन है? इनमें से एस का चाचा आपको बताना है। तो पी जो है, आर जो है वो पी का, पी जो है वो क्यू का भाई है, आर टी क्यू का। इसको पॉज करके आप सॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि क्यू जो है, क्यू का ये नहीं बताया है ये मेल है कि फीमेल है, तो इससे बताना थोड़ा सा वो है। चलिए पी सही जवाब होगा इसका, पी। इसको पॉज करके आप खुद से जरूर सॉल्व करेगा और देखिए कि पी आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, वैज्ञानिक ग्रेड ए के पद के लिए उम्मीदवार की आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए और 15 वर्षों का अनुभव होना आवश्यक है। उन्हें कम से कम 8 वर्ष शिक्षण का अनुभव होना चाहिए जिनमें कम से कम 5 वर्ष का एक महाविद्यालय में हो, तो इन उम्मीदवारों का आवेदन करते हैं। तो आपने सारे कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिया कि क्या क्या होता है। तो अगर आप देखें जो जो भी बोला है कि 40 वर्ष आयु होनी चाहिए, तो इसमें इसको आप खुद से सॉल्व जरूर से करिएगा। सही जवाब होगा कोई भी योग्य नहीं है इसमें से, ठीक है, कोई भी योग्य नहीं है। क्यों नहीं है तो एक बार आप इसको देख भी लीजिए कि रीता मेहता का अनुभव है 13, ठीक है, कुल अनुभव 13 वर्ष का है जो कि 15 वर्ष से कम है, जो टर्म्स कंडीशन आपने देखा वो इससे कम है, तो ये अयोग्य है। अगर हम अरुण कोलातकर को देखें तो ये, इसका शिक्षण अनुभव 2 वर्ष का है जो कि 5 वर्ष से कम है, तो ये भी अयोग्य है। मयंक चोपड़ा की आयु 40 वर्ष से अधिक है, 41 वर्ष आप देख रहे हैं, 40 वर्ष बोला था। महाविद्यालय में शिक्षण अनुभव 4 वर्ष का है जो कि 5 वर्ष से कम है, तो ये भी अयोग्य है। अब चंदन गुप्ता बचते हैं, तो इनका 14 वर्ष है और 15 वर्ष से कम है इनका, ठीक है, तो ये भी अयोग्य है, मतलब इसमें से कोई योग्य नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक कमरे में 10 व्यक्ति हैं, सभी आपस में हाथ इस प्रकार मिलाते हैं कि बेशक कोई भी दो व्यक्ति एक बार से अधिक हाथ नहीं मिलाता है, तो कमरे में कितनी बार हाथ मिलाए गए हैं? इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आना चाहिए आपका 45। हाथ मिलाने का संचय आपको करना है NC2 में ऐसे करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, एक निश्चित कोड भाषा में EEN कम ये, इसका अर्थ है ब्यूटी एंड ग्रेस, इसका अर्थ है लास्ट ऑफ लास्ट फॉर एवर और इसका अर्थ है ग्रेस एंड पॉइज, तो बताना है कि पॉइज लास्ट का कोड क्या होगा। तो इसको आप पॉज करिए और इस तरीके से आप बताइए कि जो जो एक्स में मिलते हैं इस तरीके से बना करके, मान लीजिए कि अगर मैं आपको बताऊँ सॉल्व करना है इसको, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कम और सिर्फ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसमें से भी अगर इसका मतलब था ग्रेस एंड पॉइज, तो ग्रेस यहाँ पे भी है और ग्रेस यहाँ पे भी है, एंड भी है, एंड भी है, तो इतना इतना इसी तरीके से काटना है, करना है, आपका आंसर आएगा EEN रट, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी होता है इसको करना, एक आदमी दूध के 1/2 ग्लास, 1.5 ग्लास पानी, 1.5 ग्लास और पानी के आधा गिलास को मिलाकर के स्वयं को अपनी पत्नी के लिए एक एक गिलास हॉर्लिक्स का बनाता है।
मान लीजिए कि पाउडर आयतन नगण्य है, यदि आपका पड़ोसी उसी समय आ जाता है तो तीनों व्यक्तियों के लिए समानुपातिक मात्रा में हॉर्लिक्स का एक एक गिलास बनाने के लिए कुल कितने गिलास दूध की आवश्यकता होगी। इसको पॉज करिए, सॉल्व करिए, आंसर आएगा 2/4। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, इस श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, आंसर आएगा 972। नेक्स्ट, कुछ कैडेट एक पंक्ति में खड़े हैं, रजत दाई ओर से 9वें स्थान पर है और मोहित बाई ओर से 10वें स्थान पर है, उनके स्थान आपस में बदल देने पर रजत दाई ओर से 15वें स्थान पर पहुंचता है, मोहित का स्थान बाई से कौन सा होगा, ये पूछ रहा है, मोहित का स्थान, तो मोहित का स्थान बाई से 16वां होगा। ठीक है, अगला, यदि स्कॉट को ये लिखा जाता इस रूप में तो मॉल्टेन को क्या लिखा जाएगा, तो इसको आप पॉज करिए, और अगर आप देख रहे हैं, अगर आप जोड़ा बनाएंगे तो डी का निकलेगा ये, इसको पॉज करके आप खुद सॉल्व करिए, मैं आपको आंसर बताती हूँ, बहुत बड़ा हो जाएगा ये, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पॉज करिए इसको और खुद से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि स्लिम को ये लिखा जाता है तो नेशन को क्या लिखा जाएगा, बस उसी प्रकार स्लिम में आप देख रहे हैं कि एस से टी प्लस हुआ है, सब प्लस 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 वन वन का हिसाब किताब है, तो इसी तरह नेशन में भी प्लस वन कर दीजिए, एन का प्लस वन करेंगे तो ओ होगा, ए का बी होगा, तो सही जवाब होगा OBU JPO। अगला क्वेश्चन, अनुक्रम ये इसको देखें, ऐसे प्रतीक यानी सिंबल कितने हैं जिनके तुरंत पहले एक संख्या हो और तुरंत बाद एक अक्षर हो, पॉज करके आप देखिए कौन सा होगा, सही जवाब आपका आना चाहिए 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से सही है, कुछ मोप होठी होट नहीं है, कुछ मोप जो है वो होठ नहीं है, होठ अलग है, कुछ मोप जो सॉरी कुछ कप मोप है, कह रहा है कि कुछ कप जो है वो मोप है और सभी मोप जो है वो होठ है, तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, तो इस तरीके से आपने बना लिया, कुछ मोप होठ नहीं है, कुछ मोप कम कप है, सभी होठ कप है, सभी होठ मोप है, तो राइट आंसर होगा कि कुछ मोप कप है, मोप जो है कुछ मोप का हिस्सा कप में भी है, तो ये सही होगा। अगला क्वेश्चन, मैं एक मल्टीप्लेक्स में एक शो के लिए टिकट खरीदने के लिए कतार में 7वें स्थान पर हूँ, मैंने अपने पड़ोसी को देखा जो अंत में 9वें स्थान पर है, हम दोनों के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो कतार में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, पॉज करिए, न्यूनतम संख्या 11 होगी। अगला क्वेश्चन, दी गई श्रेणी में अंतिम 2 पद क्या है, इसमें अंतिम 2 पद हैं 32, 11। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है जिसमें YHM, YHWM और A शामिल हैं, तो P। नेक्स्ट, एक स्वर संगीत प्रतियोगिता में मीता के अंक सीता से कम है, गीता के अंक मीता से अधिक है लेकिन सीमा से कम है, वीना के अंक मीता से कम है, तो तीसरा स्थान किसका है, तीसरा स्थान है सीता का। अगला क्वेश्चन, यदि सभी स्वर एक बराबर हैं और सभी व्यंजन 0 के बराबर है तो निम्नलिखित में से किसका मान 0 है, पी प्लस बी इंटू एफ माइनस क्यू माइनस ई, इसका मान 0 होगा। अगला क्वेश्चन, नीलम की माँ तुहिना अमित के पिता की बहन है, ममता अमित की बहन पायल की पुत्री है, नीलम ममता से किस प्रकार संबंधित होगी, इसको पॉज करिए, नीलम ममता से किस प्रकार समान होगी, मौसी है, नीलम जो है वो ममता की मौसी है। अगला क्वेश्चन, ए से एफ तक 6 महिलाएं एक मेज के चारों तरफ बैठी हुई हैं, बी ई के बाईं ओर है, एफ डी के दाईं ओर और बी और एफ के बीच 2 महिलाएं हैं, ए के बगल में एफ है, ए से घड़ी की दिशा में गिनने पर चौथे स्थान पर कौन है, इसको पॉज करिए और तुरंत इसको सॉल्व करिए, चौथे स्थान पर कौन होगा, तो अगर आप इस तरीके से बना लेते हैं तो यहाँ पे आपका ई होगा, यहाँ पे आपका बी होगा, सी होगा,
यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ बैठा है, यहाँ पे बी है। तो ए से घड़ी की दिशा में गिनने पर चौथे स्थान पर क्या आएगा? ई आएगा। सही जवाब क्या होगा? ई होगा। ठीक है, ऑप्शन डी ई होगा। अगला क्वेश्चन, अंक दो का 3 बार, 5 का 2 बार, 8 का 1 बार उपयोग करके 6 अंकों की कितनी अलग अलग संख्याएं बनाई जा सकती हैं? सब आपने समझ लिया कि कितनी बार बोला है? तो इस तरीके से आप 6, 3 और 2 करेंगे तो 60 आंसर आएगा। ऑप्शन ए 60। नेक्स्ट, तस्वीर में 5 अज्ञात आकृतियां एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं। विकल्पों में कौन सा श्रृंखला में छठा होगा? छठा पूछ रहा है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं, ये और ये काउंट क्लॉकवाइज है, और ये जो है इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज है। तो सही जवाब होगा, मतलब 90 डिग्री वामावर्त ऊपर है और 90 डिग्री दक्षिणावर्त नीचे में है। तो इसमें से आंसर होगा ए, ये वाला ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और इसके नीचे लिखे प्रश्नों को सॉल्व करिए। 101 से 105 दिया हुआ है, ये गद्यांश को आपको पढ़नी है फिर आंसर करनी है। मनुष्य क्रियाशील प्राणी है, चुपचाप बैठना उसके लिए संभव नहीं है। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, इस प्रवृत्ति के कारण समाज में समय समय पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, भय, उत्साह, शांति, दया, आशा, हरे आदि का प्रादुर्भाव होता है। साहित्यकार इन्हीं भावनाओं को मूर्त रूप दे करके साहित्य का निर्माण करता है। मनुष्य के बिना समाज और समाज के बिना मनुष्य की सत्ता संभव नहीं। समाज का केंद्र मानव है और साहित्य का केंद्र भी मानव ही है। साहित्य और समाज का प्राण और शरीर की भांति गहन रिश्ता है। साहित्य का जन्म समाज के बिना संभव नहीं है और अच्छे समाज का जन्म साहित्य के बिना संभव नहीं है। समाज को साहित्य से नवजीवन प्राप्त होता है और साहित्य समाज में गौरवान्वित होता रहता है। प्रत्येक साहित्य अपने युग में प्रभावित होता है। साहित्य किसी भी समाज या राष्ट्र का नींव है। यदि नींव सुदृढ़ होगी तो भवन भी सुदृढ़ होगा। साहित्य अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो आपने इसको पढ़ लिया, अब इसको सॉल्व करिए फटाफट से। क्या पूछ रहा है? व्यक्ति में भय, शांति आदि भावों का जन्म होने के कारण है व्यक्ति का क्रियाशील होना। साहित्य सृजन के लिए क्या आवश्यक है? काम, क्रोध आदि प्रवृत्ति का होना। समाज साहित्य से उसी तरह जुड़ा है जैसे देह और प्राण। साहित्य अजर अमर है, वाक्य में आए अजर शब्द का अर्थ क्या होगा? अजर शब्द का अर्थ है जो कभी बूढ़ा ना हो। साहित्य में नवजीवन प्राप्त होता है, वाक्य के रेखांकित शब्दों में कौन सा समास है? नवजीवन में कौन सा समास है? कर्मधारय। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इनमें से शब्द की वर्तनी बतानी है कि कौन सा इसमें से शुद्ध है। वाल्मीकि शुद्ध शब्द है। पवन शब्द का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? पवन यानी हवा, इसमें से कौन सा शुद्ध नहीं है? अनल आग होता है। मितव्यय का विलोम होता है अपव्यय। दोपहर के बाद का दिन क्या कहलाता है? अपर्याय। नेक्स्ट, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग है प्रति। कडुहाट शब्द में प्रत्यय है आहट। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? राजभाषा की दर्जा दी है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? राजकीय कार्यों में उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। का बरखा जब कृषि सुखाने, तब कहा जाता है जब कोई समय पर काम नहीं हो। तलवे चाटना, इस मुहावरे का प्रयोग तब होता है जब कोई चापलूसी करता है। सम उपसर्ग का म किस शब्द से सुनाई पड़ता है? म सुनाई पड़ता है संवाद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी किस में समाहित है? उसकी हंसी में समाहित है। कानों सुनी बात पर यकीन मत करो, रेखांकित पद यानी कानों सुनी का कारक बताइए। कानों सुनी का कारक होगा करण। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित पद है किस किस यानी सर्वनाम है ये। वहां भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद है विशेषण। भयंकर क्या है? ये विशेषण है। बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर, रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। दुबई कितना सुंदर देश है, कौन सा है ये? दुबई कितना सुंदर देश है, विधेय विशेषण है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का शीला से पढ़ा भी नहीं जाता ये है। वो हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। इस वाक्य में अव्यव पद कौन है? हमेशा। हमेशा क्या है? अव्यव पद है। अगला क्वेश्चन, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, इसमें इस पद ये कौन सा पद है? ये है विशेषण उपवाक्य। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंग्लिश, द प्लास्टिक सर्जन वॉज रिपोर्टेड टू डू अ बैंक अप जॉब ऑफ लीव इन्हेंसमेंट। दिस सेंटेंस कुड बी इंटरप्रेटेड ऑफ मीन। तो यहाँ पे अ बैग अप ऑफ ये क्या है? ईडियम है। ईडियम को कॉम्प्लीमेंट यूज टू बी डिस्क्राइब द सक्सेसफुल कंप्लेन, मतलब किसी कार्य के सफल होने में प्रशंसा मिलना, इसका अर्थ है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। चूज द करेक्ट साउंड वर्ड ऑफ डिस्क्राइब। The dash of strange and unfamiliar dialects at the market hailed by interest। यहाँ पे क्या फील होगा? Babble। अगला, the correct if the following group of words are placed in a dictionary would be। डिक्शनरी के वर्ड को आगे पीछे करनी है, ठीक है। यहाँ पे अंग्रेजी शब्द कोश डिक्शनरी है, उसके अनुसार शब्द है जिनको क्रमानुसार लगानी है। सबसे पहले एग्जाग्रेट होगा, उसके बाद एक्सप्रेट होगा। सही जवाब होगा ये ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड बतानी है, तो इसमें जो सही स्पेलिंग है वो है परस्पिकेशियस की सही स्पेलिंग है PERSPICACIOUS। देयर आर डैश टेकर्स फॉर एनिमल फॉर टूडे वाइल डैश ऑफ द यस्टर ईयर स्टार्स वेयर प्राउड ओनर्स ऑफ मिल्क कोट्स। क्या फील करेंगे? फ्यू, देयर आर फ्यू टेकर्स टूडे वाइल क्वाइट अ फ्यू, ऑप्शन ए। विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एरर्स इन इट। इसमें बताने है कि सेंटेंस में एरर है। ए है, इफ वन हैज टू लाइव इन सोसाइटी ही मस्ट कन्फर्म टू इट्स रूल्स। यहाँ पे एरर जो आप देख रहे हैं, एरर है टू इट्स रूल्स में। यहाँ पे ही है, ही की जगह पे वन का यूज किया गया है। ही की जगह पे वन का यूज करेंगे, यहाँ ये ही है, यहाँ पे वन का यूज करेंगे क्योंकि इफ के बाद यहाँ पे वन लगा हुआ है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। कंप्लीट द नोटिस विद द राइट वर्ड। यूज ऑफ सेल फोन्स इज डैश विद इन द परमिसेस। आंसर होगा डिसअलाउड। रिप्लेस द वर्ड इन इटैलिक्स विद द करेक्ट वर्ड That means the same. The teacher was vexed at the student for their unruly behavior. इसका एक sentence क्या होगा? Angry. Next question. There are more cyclists than pedestrians on the streets of Amsterdam. Choose the sentence which means the same as the above statement. Right answer hoga, walking is not as common as cycling is on the streets of Amsterdam. Use the correct question tag to complete the sentence.
इसमें क्वेश्चन टैग कंप्लीट करनी है। सुसाइड इज नॉट अ सोल्यूशन टू लाइफ्स प्रॉब्लम्स, ये आपको नेगेटिव दिख रही है तो नेगेटिव को असर्टिव में चेंज करते हैं, यानी अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। राइट आंसर होगा इज इट। रीअरेंज द वर्ड्स और फ्रेजेस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। फॉर एंटरटेनमेंट कंसीडर मॉल्स लिविंग इन सिटीज पीपल अ वन स्टॉप प्लेस टू बी। इसमें से अगर आपको रीअरेंज करना होगा तो इसको आप पॉज करिए, समझिए, रीअरेंज करने के बाद आपका आंसर आएगा बी सी डी सी बी एफ ई ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ही टोल्ड द क्राउन माई परफॉर्मेंस विल कंटिन्यू टुमारो एट द सेम टाइम। इन रिपोर्टेड स्पीच दिस सेंटेंस वुड रीड एज। इसमें आप रिपोर्टेड स्पीच जो है वो एसर्टिव सेंटेंस में है, तो सेड टू टोल्ड को सेंटेंस के अर्थ में अनुसार इन्फॉर्म्ड में चेंज करते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का यूज करेंगे। तो इनडायरेक्ट में विल को वुड में चेंज करते हैं और टुमारो को द नेक्स्ट डे लिखते हैं। ये सभी ये रूल आपको तो पता ही होगा। चलिए आंसर करिए, सही जवाब होगा ही इन्फॉर्म्ड द क्राउड दैट हिज परफॉर्मेंस वुड कंटिन्यू द नेक्स्ट डे एट द सेम टाइम। वॉट डज गैरुलस मीन्स। आंसर होगा टॉकेटिव। नेक्स्ट, देयर आर नो स्पैरोज चिपिंग डैश द सिटीज एनी मोर ऑल डैश आइदर डाइड और फ्लोन फॉर अवे एज दे हैड नो स्पेस इन डैश ग्रोविंग कॉन्क्रीट जंगल द कनिंग पिजन्स हैव बिकम डैश मिनीज। राइट आंसर होगा, यहाँ पे आप इन फिल करेंगे, ऑल हैव आइदर होगा, यहाँ पे द ग्रोइंग होगा, यहाँ पे अ मैनेस होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द हॉस्पिटल वॉज टू डैश फ्रॉम द सीन ऑफ द एक्सीडेंट टू सेव द विक्टिम्स लाइफ। राइट आंसर होगा फार। कंबाइन दिस टू सेंटेंस इनटू द सिंपल सेंटेंस कीपिंग द मीनिंग इंटैक्ट। तो सी रोड द एग्जाम, सी लेफ्ट द हॉल। सी लेफ्ट द हॉल आफ्टर राइटिंग द एग्जाम। यदि किसी भी मेन वर्ब के लिए एक सब्जेक्ट अगर दिया हो तो वहाँ पे सब्जेक्ट का यूज एक ही बार किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेन वर्ब यहाँ पे लेफ्ट रोट है, ठीक है, लेफ्ट और रोट है, तो इसके लिए सब्जेक्ट शी होगा, यानी सही जवाब होगा सी लेफ्ट द हॉल आफ्टर राइटिंग द एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द करेक्ट her grandmother did not hear the noise. She was as deaf as a post. Dash a national holiday tomorrow. It's a national holiday tomorrow. Choose the correct passive form. The sentence passive form बनानी है इसका। Close the door and put out the lights. तो यहाँ पे active sentence में order और command है, ठीक है। तो इसका मतलब पैसिव में आप स्ट्रक्चर तो जानते ही होंगे, लेट उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी का यूज़ होता है, फिर मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा लेट द डोर बी क्लोज्ड एंड द लाइट्स पुट आउट। अगला क्वेश्चन, लाइफ हैज हीन हेक्टिक डैश आई जॉइन द आर्मी एवर सिंस। A bunch of keys dash found hanging from a nail on the wall. Right answer was keys was. Next, an elaborate hairdo is known as a coiffure. ठीक है, coiffure होता है मतलब बालों को लहरदार बनाना। अगला, dash defendant was made to take dash oath on dash Bibble that he would speak only dash truth and nothing but dash truth. यहाँ पे आप फील करेंगे the defendant was made, यहाँ पे take and, क्योंकि oath है, o यहाँ पे use हुआ है तो यहाँ पे आप n का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे the का use करेंगे, यहाँ पे भी the का use करेंगे, यहाँ पे भी the truth. Next question, the parents of the girl did not dash to her request. Accede. Right answer hoga accede. Next question,
Join the two sentence using the correct relative pronoun. I write with a black fountain pen. It belonged to my grandfather. Right answer hoga. I write with a black fountain pen that belonged to my grandfather. अगला question. Order the adverb correctly and complete the sentence. यहाँ पे did फिर consider having ever a baby. क्या use करेंगे इसमें से? तो सही जवाब होगा ever consider having. Adverb का क्रम होता है ever consider having. Did you ever consider having a baby? ये sentence बन सकता है. अगला question. Ouch, ouch, ouch कह सकते हैं. Ouch. The throne has pierced by my heel and it's bleeding. She said, choose the correct form of this sentence in reported speech. तो यदि इसमें आप देख रहे हैं reported speech में extra exclamatory sentence है. ये है ना apostrophe. ये देख रहे हैं आप exclamatory sentence है, apostrophe नहीं है. तो यहाँ पे से या सेट को सेंटेंस के अर्थ के अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ शाउटेड या क्राइड आउट में चेंज कर दिया जाएगा. तो इसमें एक्सप्लेनेशन का जो मार्क है ये इसको हटा करके फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो एसर्टिव सेंटेंस में लिख दिया जाएगा. रूल आप सभी को मालूम होगा. सी क्राइड आउट सेइंग द थ्रोन हैड पाइस्ड हर हील एंड इट वॉज ब्लीडिंग. अगला क्वेश्चन. A dash of seagulls flew over the ship, screeching raucously. Right answer hoga flock. Replace the words in italics with the correct synonym. तो इसका आपको synonym बतानी है. He read out the passage in a dull and unimaginative way. जवाब होगा इसका dull का है ना. Dull का synonym होता है ग्लूमी, इनर्ट बोल सकते हैं. इसका जवाब होगा प्रोसियली होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. सी वॉज द डैश ऑफ ऑल आइज एट द पार्टी. साइनोसोर. सी वॉज द साइनोसोर ऑफ आइल ऑल आइज एट द पार्टी. ऑप्शन डी. इसमें आपको एनोनिम्स बतानी है. द ओल्ड वुमेन एट अ फ्रुगल. एनोनिम. फ्रुगल का मतलब होता है मितव्ययी. तो इसका एनोनिम होगा हर्टी यानी विलोम शब्द. यू मे गो होम अर्ली इफ यू आर फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर. ऑप्शन ए. अ पर्सन हु क्रिएट्स मैप्स इज नोन एज. इसके लिए एक शब्द क्या होगा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. कार्टोग्राफर. क्या होगा? कार्टोग्राफर. नेक्स्ट. रीअरेंज करनी है. दे लिव्ड इन अ ओल्ड स्प्राउलिंग वाइट हाउस. तो इसको रीअरेंज करने के बाद आएगा स्प्राउलिंग ओल्ड वाइट हाउस. गाजियाबाद इज द डैश सिटी इन इंडिया. फास्टेस्ट ग्रोइंग. शी डैश फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग टू द पार्क. एवरी मॉर्निंग गोज. सी गोज फॉर अ वॉक. They did not want to leave dash to change while deciding on the trip. Answer hoga anything. Leave anything to change. A mix of decayed wood, leaf and manure is known as compost. Replace the word in italics with the one similar in meaning it to. The future of the company seemed bright. Prospective. He dash. यहाँ पे होगा bid. He bid goodbye to his friends before leaving. Next. What does the phrase known no bounds? इसका phrase क्या होगा? Known no bounds. No bounds. इसका फ्रेज होगा वॉज लिमिटलेस. जिसकी सीमा निर्धारित ना हो. अगला. द बॉय वॉज टेकन बाय हिज फादर टू अ मोनास्ट्री. इन द एक्टिव वॉइस द सेंटेंस वुड बी. इसका एक्टिव वॉइस बनानी है.
द फादर लुक द बॉय टू अ मोनास्ट्री, ऑप्शन ए. नेक्स्ट सिनोनिम फाउंड करनी है. फाइंड अ सिनोनिम फॉर द वर्ड इन इटैलिक्स इन दिस सेंटेंस. ही एंजॉयड मीनिंग हिज ओल्ड फ्रेंड्स, हाउएवर ही रियलाइज दैट हिज लाइफ एट द मोनास्ट्री हैड चेंज्ड हिम कंसिडरेबली. राइट आंसर होगा नॉनथलनेस. नेक्स्ट नॉनथलेस. विच वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ एडमेंट, इसका अपोजिट क्या होगा? एमिनेबल, एमिनेबल होगा. ठीक है, एडमेंट मतलब होता है कठोर हठी, कठोर हठी. नेक्स्ट, अब ये पैसेज है, इसको आप पॉज करिए, इसको रीड करिए, उसके बाद इस पैसेज जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करनी है. मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ. फाइंड द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट ट्रेंड, ट्रेडेंसी. वॉट डज द फ्रेज बाइंग बाइंग मिडलेसली मीन, बाइंग अनथिंकली. नेक्स्ट, वॉट डज द स्लोगन सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग डिनोट. Not giving much importance to material goods and giving more importance to mental and emotional growth. Next, what do the word available at your fingertips mean? Answer hoga. You can get it by merely using your fingertips to order it on your phone. Next question. Which among the words below is not a synonym of hankering? Synonym नहीं होगा इसका hankering का. तो hankering जो है, hankering का synonym होता है paining, caving, मतलब तीव्र इच्छा लालसा. तो इसमें सही जवाब होगा opening. Next, which of the following characteristics of the computer reflects its flexible behavior? यानी निम्न में से कौन से गुण कंप्यूटर के स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं, बहुकौशल दर्शाते हैं, वर्सेटिलिटी. निम्न में से किसे यूवी रोशनी में रख करके मिटाया जा सकता है? ईपीरोम को. निम्न में से कौन सा नंबर बाइनरी संख्या नहीं है? 1002 बाइनरी संख्या नहीं है, क्योंकि बाइनरी में केवल 0 और 1 ही होता है, 2 नहीं होता है. 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है? 1 टेराबाइट बराबर होता है 2 to the power 20 मेगाबाइट के. सबकी वैल्यू आपको पता ही होगा, टेराबाइट कितना होता है, गीगाबाइट कितना होता है. निम्न में से कौन कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक पर विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? आंसर होगा कंट्रोल बस, कंट्रोल बस करता है. दोनों डैश और डैश गेट्स यूनिवर्सल गेट्स हैं, NAND और NOR, NAND और NOR. निम्न में से किस मेमोरी की सबसे अधिक डेटा एक्सेस स्पीड होती है? कैश मेमोरी की. निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? कौन सी करती है? ऑप्टिकल माउस करता है. नेक्स्ट, निम्न में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर यूनिट नहीं है. निम्न में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफ़ी शोर करता है? शोर करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. कंप्यूटर को चलाने के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है. नेक्स्ट, यूनिक्स कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ 2007 कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये जो यूनिक्स है, यूनिक्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडोज़ 2007 बहु उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है. सॉरी, विंडोज़ यूनिक्स जो है वो बहु उपयोगकर्ता है और विंडोज़ 2007 एकल उपयोगकर्ता है. अगला, MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोट पैड जैसा होता है? नोट पैड जैसा MS वर्ड होता है.
अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में किए बदलावों को एक नई फाइल के रूप में सेव करता है, एक नई फाइल के रूप में सेव एज। अगला, कॉपी और पेस्ट ऑपरेशन के माध्यम से डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करता है, क्लिपबोर्ड का। मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस के किस अवयव का उपयोग किया जाता है, एमएस एक्सेल का। एक सुनिश्चित सेल एड्रेस, एब्सोल्यूट सेल एड्रेस में पंक्ति नंबर और कॉलम लेबल से पहले किस संकेत, कौन सा संकेत होता है, डॉलर का। पहली पंक्ति और 27वें कॉलम में इंटरसेक्शन पर सेल का एड्रेस क्या होगा, सेल का एड्रेस होगा AA1, ऑप्शन डी AA1। नेक्स्ट, एक्सेल एक्सपेंशन, एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल टू 64.8/2 का मान क्या होता है, इसका मान होगा 4। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डैश का कलेक्शन है जिसका उपयोग मौखिक प्रेजेंटेशन के लिए किया जा सकता है, स्लाइड्स। निम्न में से कौन सा व्यू सबसे अच्छा होता है जब आप अपनी स्लाइड्स को डिलीट, कॉपी, पेस्ट या मूव करना चाहते हैं, स्लाइड सॉर्टर। वीडियो चैट या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग होने वाले छोटा डिजिटल कैमरा निम्न में से कौन सा है, छोटा डिजिटल कैमरा वेब कैमरा है। क्लास सी आईपी एड्रेस, क्लास सी आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए कौन सा बिट्स और होस्ट आईडी के लिए कौन सा बिट्स उपयोग करता है, तो ये 24 बिट्स करता है आईपी एड्रेस नेटवर्क आईडी के लिए और 8 बिट्स होस्ट आईडी के लिए। अगला, निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, ग्राफिक्स टैबलेट। निम्न में से कौन सी सेलफोन तकनीक कम से कम 100 मेगावाट प्रति सेकंड और 1 गीगाबिट प्रति सेकंड ट्रांसमिशन तक रेट प्रदान करती है, 4G, फोर्थ जनरेशन। इसके साथ ही आपके 200 क्वेश्चन कवर होते हैं हाई कोर्ट आरओ के जो 2017 में पेपर हुआ था। अगले सेशन में मिलते हैं।